वालेकुम वरहमतुल्लाह दोस्तों, बरकी आर्मी इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से आमिर कयूम खटक आपकी खिदमत में पेश एक छोटे से रिव्यू के साथ। और रिव्यू एक ऐसे पिस्टल का बनाने जा रहे हैं जो कि मेरा भी फेवरेट तरीन पसंदीदा तरीन पिस्टल है जी। मेरे तो सारे ही पसंदीदा तरीन हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जी। तो ये अब इस वक्त मेरे सामने जो आर्टिकल पड़ा हुआ है, आपको इसके ऊपर बड़ा बड़ा करके स्टूगर एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा नाम जिससे तकरीबन सारे गन एंथुजियास्ट बाखबर हैं जी। और स्टूगर में हम जिस आर्टिकल को रिव्यू करने जा रहे हैं, तो दैट इज़ मशहूर ज़माना स्टूगर कॉगर 8000 FFT FL, अनस्टॉपेबल कहा जाता है जी इसको। इस गन की एक हिस्ट्री है सर, इस गन की एक पूरी जो है वो आर्काइव है। ये गन, ये मॉडल, इसको आप बेरेटा 8000 कह सकते हैं जी, बेरेटा 8000 कह सकते हैं। ये बेरेटा का एक जो है, उनके पास एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें उन्होंने टर्की की जो स्पेशल फोर्सेस हैं या टर्की की जो आर्मी है उसको उन्होंने असेंबल करके देने थे ये पिस्टल्स। इस पिस्टल का डिज़ाइन, इस पिस्टल की मैकेनिज़म सब बेरेटा का है। ये जिस टूल्स पे बना है वो भी बेरेटा के हैं, ये जिस मशीनरी पे बना है वो भी बेरेटा का है। लेकिन चूंकि ये परचेज कर लिया था स्टूगर ने इस कारखाने को, तो और इसके पेटेंट को, तो इसको फिर स्टूगर के नाम से लॉन्च किया गया। इस गन में जो पहला मॉडल आया था दैट वाज बेरेटा 8000, सॉरी स्टूगर 8000, वो टोटली बेरेटा था। उसमें टूल्स, उसमें पार्ट्स, उसमें इवन लेबर भी जो थी वो बेरेटा की यूज हुई थी। इसका जो मैकेनिज्म है इस टोटली चेंज जी। दिस इज अ रोटेटिंग बैरल, दिस इज नॉट टिल्टिंग एक्शन ब्राउनिंग की तरह, दिस इज अ रोटेटिंग लॉक बैरल जी। और इसमें दिस इज एक्यूरेसी 15 राउंड कैपेसिटी की जो है वो इसकी मैगजीन्स हैं। इस वक्त पे इसके बॉक्स पैक में इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अलावा आपको एक एडिशनल मैगजीन भी मिल जाएगी। इसमें आप बेरेटा 92 FS की मैगजीन्स भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप कैनिक की मैगजीन्स भी यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त पे मार्केट में जो है वो प्राइस इसकी समवेयर 180 ± जी। लॉकिंग, आप इसकी जो लॉकिंग है, इसकी जो सेफ्टी है, दुनिया में इससे ज़्यादा सेफ पिस्टल कोई भी नहीं है जी। इसकी स्लाइड सेफ्टी आती है जब आप इसको जो है वो कॉक कर लेते हैं, तो इसकी जो फायरिंग पिन है वो ही, इसको लॉक करने पे इसकी फायरिंग पिन ही जो है वो टिल्ट होके गायब हो जाती है। आप इसकी सेफ्टी देख सकते हैं जी। दूसरा, इसकी ये बैरल में जो आपको ये लग नज़र आ रहा है, दिस इज़ द रोटेटिंग बैरल लग जी। इसको मैं कॉक इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ द ब्रांड न्यू पिस्टल। तो हम ये चाहते हैं कि जो भाई इसको ख़रीदें वो फर्स्ट टाइम इसको कॉक करें, जैसे कि मर्सिडीज बेंज की सीट के ऊपर मालिक आके फर्स्ट टाइम बैठता है, इवन उसको आगे पीछे करने वाला भी नहीं बैठ सकता। तो दिस इज़ अवेलेबल एट बरकी आर्मरी इंटरनेशनल जी। कीमत में मैं, हो सकता है कि कुछ प्लस माइनस मैंने किया हो, लेकिन गन की क्वालिटी और गन की स्पेक्स के हवाले से कुछ भी प्लस माइनस नहीं है। तो आज ही आइए बरकी आर्मरी इंटरनेशनल से इसको, या ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं जी। इज़ अवेलेबल एट बरकी आर्मरी इंटरनेशनल शोरूम जी। और ये इसका बॉक्स पैक है, आप देख सकते हैं, इसमें इसकी डॉक्यूमेंटेशन और सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो दोस्तों, इस खूबसूरत से पिस्टल को अपने लाइसेंस पे रखने के लिए आपको बरकी आर्मरी इंटरनेशनल का विजिट करना पड़ेगा। आज ही आइए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।